अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में बात करूंगा बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट की जो हाईली पेड है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जो सबसे पहली और पॉपुलर वेबसाइट है वो है fiverr.com। बहुत सारे लोग आप में से जानते भी होंगे, शायद यूज़ भी कर रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करते हैं, जैसे ये लोगो डिज़ाइन पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो नेट थोड़ा स्लो है मेरा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो उसके बाद ये देखेंगे आपके पास यहाँ पे डिफरेंट गिग्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बहुत सारे लोग हैं जो 3D लोगों की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, हम ये एक ऑप्शन ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बेसिकली अपना सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि मैं कौन सा लोगो बनाऊँगा, बेसिक में क्या है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड और ये प्रीमियम, ये डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। ठीक है, साथ प्राइस मेंशन कर देते हैं और इसमें ये बताते हैं कि हम क्या क्या आपको चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो बायर जो होगा वो आएगा यहाँ पे, इसकी गिग देखेगा। ठीक है, नीचे इसके सारा डिटेल्स वगैरह, अबाउट वगैरह लिखा होता है। ठीक है, अगर उसको बंदे का जो भी पैकेज वगैरह पसंद आता है, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू करके तो सिंपली यहाँ पे जाके और उसको ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, और फिर आप जो बंदा होगा, फ्रीलांसर होगा, वो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो वो बंदा उसको पे कर देगा। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है upwork.com। ठीक है, अपवर्क थोड़ा सा फ्रीलांस से, फाइवर से डिफरेंट है। इसमें ये होता है कि जो क्लाइंट होता है वो अपना प्रोजेक्ट उस पर अपलोड करता है। सपोज़ वो कहते हैं कि मुझे एक कंटेंट राइटर चाहिए, मुझे एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए, या कोई प्रोग्रामर चाहिए या कोडर चाहिए, जो भी उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे आके वो अपलोड कर देता है। ठीक है, जैसे ही वो अपना जॉब अपलोड करता है तो हम जैसे जो लोग होते हैं जो यहाँ पे काम के लिए आते हैं, तो वो उनको अपना सैंपल भेजते हैं, उनको अपना प्रपोजल सेंड करते हैं। बेसिकली अपवर्क में आपको प्रपोजल लिखना होता है। ठीक है, आप उसको प्रपोजल सेंड करते हैं कि भाई मैं ये काम इतने का टाइम में करूँगा, इतने चार्ज मेरे हॉर्ली चार्ज हैं, या मैं फुल प्रोजेक्ट कितने चार्ज करूँगा आपसे। ठीक है, तो आप उसको फुल अपना डिटेल प्रपोजल लिख के तो आप उस बंदे को सेंड कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो देन वो बंदा आपको हायर कर देता है। लेकिन जो अपवर्क पे प्रोजेक्ट लेना थोड़ा सा मुश्किल है फाइबर से, लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको यहाँ पे कोई क्लाइंट मिल जाता है तो वो मोस्टली चांस ये हैं कि वो आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाए। ठीक है, तो वो आपको परमानेंटली हायर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब्स भी अपलोड होती हैं कि आप परमानेंटली यहाँ पे लोग हायर भी करते हैं, मतलब कोडर हायर कर लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, वो एक ही बंदे का काम देख के, ठीक है, तो वो उसको हायर कर देते हैं। यहाँ पे जॉब्स वगैरह भी आती हैं, वो लोग अपना जॉब डिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मोस्टली जो काम होता है वो इंटरव्यू के बाद होता है। फाइबर पे आपने जस्ट सिंपल उनको ऑफर्स भेजनी होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग क्लाइंट्स वो हायर करते हैं, क्लाइंट्स जो होते हैं वो बंदे को उसका पहले इंटरव्यू लेते हैं, देन उसको प्रोजेक्ट देते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है guru.com। guru.com भी बहुत पॉपुलर फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे भी आप अपने जॉब पोस्ट भी कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स ले भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम केस होता है कि आपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स लेने होते हैं। ठीक है, अपना उसको डिटेल्स बतानी होती है कि भाई ये मैं ये काम कर सकता हूँ, इतने टाइम में करूँगा, ये मेरे चार्जेस हैं। ठीक है, तो guru.com भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसके बाद आती है people.per-hour। ठीक है, तो जैसे ही नाम से जाहिर है people.per-hour, तो यहाँ पे मोस्टली जो काम होते हैं वो पर आवर के, मतलब आप अपना बजट बता देते हैं कि भाई मैं $4, $5, $6, ठीक है, मतलब इतने चार्ज करूँगा पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा लोग अर्न करते हैं इस वेबसाइट से, जिसमें प्रोग्रामिंग, ट्रांसलेशन सेम, मतलब वही फाइवर और अपवर्क वाला, अपवर्क से थोड़ा डिफरेंट है, फाइवर और people.per-hour तकरीबन सेम ही है। ठीक है, इसमें मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, बिजनेस, वही सारी कैटेगरीज हैं जो फाइवर में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है freelancer.com। ठीक है, freelancer.com में भी सेम वही होता है कि आप अपना प्रोजेक्ट पोस्ट भी कर सकते हैं। मतलब आपको अगर कोई काम मतलब फ्रीलांसर चाहिए तो यहाँ आप फ्रीलांसर हायर भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जॉब्स वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम चाहिए, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग या कुछ भी जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, तो यहाँ आप सिंपली फाइंड जॉब्स भी कर सकते हैं। ठीक है, स्किल्स, लैंग्वेजेस, लेटेस्ट जॉब, फ्यूचर जॉब, ये डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज हैं, तो आप उनके हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से या आपके अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके हिसाब से यहाँ पे आप अपने लिए जॉब वगैरह सर्च कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।